सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गढ़कोला के निवासी थे। वे तत्कालीन रियासत महिषादल में कोषाध्यक्ष थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा इन्होंने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि में रचित साहित्य का गहन अध्ययन किया था। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए इन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी प्राप्त की, किंतु कुछ कारणों से वहां त्यागपत्र देकर चले आए। कुछ समय तक वे रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन करते रहे तथा बाद में मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। 15 अगस्त सन 1961 को इनका देहावसान हो गया। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी व्यक्ति थे। वे स्वयं संगीत प्रेमी थे। अतिथि सत्कार करने में वे अत्यंत संतोष का अनुभव करते थे। वे विद्रोही प्रवृत्ति तथा पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं की कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य रचनाएं आती हैं, अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, वर्षा गीत आदि। अगर उपन्यास की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली तथा उच्छृंखल, ये इनके उपन्यास हैं। अगर कहानी संग्रह की हम उनकी चर्चा करें तो उसमें प्रमुख हैं लिली, सखी, चतुरी, चमार तथा सुकुल की बीबी। रेखा चित्रों में कुली भाट और बकरीहा। उनका निबंध संग्रह जो है वह है प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, प्रबंध परिचय एवं रविंद्र कविता कानन। जीवनियों में ध्रुव, भीष्म और राणा प्रताप। अनुवाद में आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत काबिल, युगलातांगली, रजनी देवी, चौधरानी, राधा रानी, विश्ववृक्ष, राज सिंह, महाभारत आदि। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। निराला जी हिंदी की छायावादी कविता के आधार स्तंभ माने जाते हैं, किंतु इनकी कविता में छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता में छायावादी कवियों के समान निराला जी के काव्य में व्यक्तिकता की अभिव्यक्ति मिली है। दूसरी उनकी विशेषता है निराशा, वेदना, दुखवाद और करुणा की प्रस्तुति वे अपनी कविताओं में किया करते हैं। संक्षिप्त में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बृहत में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो तीसरी इनकी विशेषता क्या है, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में निराला ने प्रकृति पर सर्वत्र चेतना का आरोप लगाया है। उनकी दृष्टि में बादल, प्रपात, यमुना सभी कुछ चेतन है। यह यमुना से पूछते हैं कि तो किस विश्रम की वीणा से उठ उठकर कातर झंकार, उत्सुकता से उकता उकता खोल रही स्मृति के दृढ़ द्वार। तो इस प्रकार से प्रकृति का चित्रण करते हैं। और उनकी नेक्स्ट विशेषता है मानवतावादी जीवन दर्शन। एक और विशेषता जो उनकी है, नारी के विविध रूपों का चित्रण वो करते हैं, साथ ही सामाजिक चेतना को भी साथ लेकर के चलते हैं और चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी हो। देश प्रेम की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य की विशेषता है और विद्रोही का स्वर और स्वच्छंदता भी पाई जाती है। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा वे कहीं अधिक विद्रोही और स्वच्छंदता के प्रेमी रहे हैं। वह तो वस्तुतः जीवन पर्यंत विद्रोह और संघर्ष ही करते रहे। कला पक्ष की हम उनकी बात करें तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए छंद को प्रमुख रूप से उन्होंने चुना, और जो छंद उन्होंने चुना है उसे मुक्त छंद कहा जाता है। मुक्त छंद के बारे में
हम यहाँ उनकी बात देख चुके हैं। इसके अलावा निराला की भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह हैं कोमलता, शब्दों की मधुर योजना, भाषा का लाक्षणिक प्रयोग और संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, प्रकृति जन्य प्रतीकों की प्रचुरता आदि। निराला जी को संगीत का अच्छा ज्ञान था, वह स्वयं गायक भी थे। उनकी कविता में संगीतात्मकता का सुंदर निर्वाह मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।